ये है नाग देवता और ये नाग देवी, जय नाग देवता। जल ही जीवन है तो हर इंसान और जानवर हर जीव के लिए पानी जरूरी है। खूबसूरत अभी पेंटिंग हुआ है लग रहा, बहुत अच्छा चित्रकारी किया। काफी खड़ी चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है, देखिए वहाँ बरे कहाँ नहीं हो भाई। हाय दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवटर व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों में नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो दोस्तों अभी मैं इस वक्त पहली बार पहुँच चुका हूँ करेला भवानी मंदिर, और ये भिलाई से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अंदर रास्ते से आएँ घूमका पटेवा की तरफ से, और अगर हम नाथगाँव होते आते नाथगाँव फिर डोंगरगढ़, तो ये लगभग हमको 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो कि ये करेला भवानी डोंगरगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे बहुत जल्दी। व्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूं करेला भवानी, तो चलिए दोस्तों नवरात्रि से पहले आपको दर्शन कराता हूं। दोस्तों ये कुछ इस तरह से मंदिर के नीचे वो दुकानें वगैरह है, इस प्रकार है करेला भवानी का, और चारों तरफ आप देख सकते हो पहाड़ आपको नजर आएगा। और गर्मी का दिन है, काफी धूप झुलसा रही है, उसके बावजूद हम लोग आए हैं। नवरात्रि स्टार्ट होने के बाद काफ़ी संख्या में लोग आने लग जाएंगे, और यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें भी नज़र आएगी। देखो इस टाइप से नारियल वगैरह की दुकानें हैं, तो आप आके पूजा सामग्री ले सकते हैं। नारियल और ये अगरबत्ती वगैरह लगभग आपको 20 रुपये और 30 रुपये मिल जाएंगे। तो चलिए आगे और चलते हैं। यहाँ पर पार्किंग निःशुल्क लिखा हुआ है, और एक दुकान यहाँ पर भी है, और होटल वगैरह ज़्यादा नहीं है दोस्तों, एक से दो ही होटल है। और नाश्ते वगैरह आपको मिल जाएंगे समोसा वगैरह करने के लिए। देखिए हम यहीं से नारियल लिए हैं, तो आप यहाँ से आप नारियल वगैरह ले सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से करेला भवानी मंदिर है, और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं। ये होटल है यादव होटल, और इधर भी दुकानें हैं आस्था नारियल प्रसाद भंडार। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ सामने एक मंदिर नज़र आएगा, जो कि है दुर्गा मंदिर। चलिए पहले दुर्गा मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, यहाँ पर भी एक शॉप है नारियल की, दुर्गा मंदिर। तो यहाँ भी रंग रोगन हो रहा है, जय माता दी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सामने का मंदिर है दुर्गा मंदिर का, और अभी यहाँ रंग रोगन हो रहा है नवरात्रि से पहले, और यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, और ये कुछ वर्कर लोग काम कर रहे हैं। जय माता दी, देखिए जय माता दी। आगे चलते हैं, मेन मंदिर इधर है। और दोस्तों ये करेला भवानी के बारे में बाबा लोग बता रहे हैं कि ये लगभग 85 के आसपास मंदिर फेमस, उस समय से फेमस है। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं जब छोटा था, 10वीं वगैरह पढ़ रहा था, उस समय से मंदिर को जानता हूँ ऐसे करके, तो 85 से मतलब 50 साल मान लो एक मोटा मोटा ये मंदिर फेमस है। ये देखिए जय माँ भवानी मंदिर, चलिए घंटी बजाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जय माँ भवानी। चलिए आगे माता जी का दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये है देखिए जय माँ भवानी मंदिर, जय माता दी, जय माता जी का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ कलश वगैरह रखे हुए हैं, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली तो तैयारी चल रहा है। और देखिए पीछे तरफ नारियल वगैरह बंधा हुआ है, ये देखिए, और ये माता जी का झूला देखिए, जय माता दी। यहाँ से भी अगर आप नारियल वगैरह उधर से नहीं खरीदे तो यहाँ से खरीद सकते हैं, निषाद फैंसियम कोल्ड ड्रिंक्स प्रसाद भंडार, और यहाँ कुछ कुछ और दुकानें हैं, यादव होटल भोजनालय अभी फ़िलहाल तो बंद है। ये देखिए ये करेला भवानी का दृश्य है, ये देखिए इधर कुछ सामने तालाब टाइप का है, और अभी थोड़ा इधर सन्नाटा लग रहा है, और इधर देखिए थोड़ा मार्किंग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इधर दुकानें वगैरह लगेगी, उसके बाद नवरात्रि में दुकानें जब लगेंगी हो सकता है मेला टाइप का लगे, तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इधर यहाँ पर जय माँ भवानी फैंसी एंड जनरल स्टोर है, ये देखिए, और उधर देखिए उधर बांध टाइप का नज़र आ रहा है थोड़ा, ये देखिए तैयारियां कैसे चल रही धीरे धीरे। यहाँ पर एक शॉप है प्रसाद वगैरह की, और देखिए यहाँ पर टेंट वाले लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं। इधर भी देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है करेला भवानी का, और चारों तरफ आपको पेड़ नज़र आ रहे होंगे, देखिए कितना सन्नाटा लग रहा है। ये देखिए और उधर से कुछ लोग लकड़ी वगैरह भी चुन के आ रहे हैं, जलाऊ लकड़ी।
और इधर भी देखिए, और यहाँ पर एक शेर की मूर्ति बनी हुई है, देखिए ये देखिए काफ़ी खूबसूरत शेर है, जय माता दी। और देखिए पीछे पूरा जंगल है, धूप का समय है इसलिए, और सन्नाटा है थोड़ा सा। इधर भी एक शेर है, दो शेर बनाए गए हैं ये देखिए। और जस्ट पीछे में नागदेव मंदिर है, और यहाँ बगल में देखिए काफ़ी सारी और दुकानें हैं प्रसाद वगैरह के लिए, ये देख सकते हो आप। उधर भी काफ़ी सारी और दुकान धीरे धीरे लग रही, जैसे जैसे नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। और ये देखिए, ये है नागदेव मंदिर, ये देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों नागदेव मंदिर, चलिए दोस्तों नागदेव के दर्शन कराता हूँ। जय नागदेव। ये देखिए, ये है नाग देवता और ये नाग देवी। जय नाग देवता, जय नाग देवी। नाग देवता, नाग देवी अपने मूल रूप में है, देखिए जय नाग देवता। और पीछे त्रिशूल, और देखिए उधर बंदर वगैरह भी है दोस्तों। और हमने सुना यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं जो सामान वगैरह पकड़ते हैं और खाने के आइटम ज़्यादा देखते हैं, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। और देखिए इधर और दुकानें लग रही धीरे धीरे। डोंगरगढ़ तो ऐसे अधिकतर लोग ही आते जाते रहते हैं, मैं भी आया हूँ गया हूँ, लेकिन ये करेला भवानी मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये देखिए छोटे छोटे बंदर, ये देखिए ये भी प्राणी है दोस्तों, खाने के लिए आते हैं इधर, और जो मिल जाता है वो खाते हैं। और लोग अगर खाने की वस्तु ज़्यादा पकड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर और देखिए कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं, और इधर देखिए ट्रैक्टर है जो कि यहाँ दुकान वगैरह जो लग रहे हैं उसके सामान को ला ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसका भी देखिए रंग रोगन हो रहा है। और देखिए दुकानें धीरे धीरे लगती जा रही है। और यहाँ सामने एक और मंदिर है, देखते हैं कौन सा मंदिर है। यहाँ लिखा हुआ है ओम राधा श्री कृष्णाय नमः, तो हो सकता है राधा कृष्ण मंदिर हो। ये देखिए मंदिर, और ऊपर में श्री कृष्ण भगवान लठ लिए हुए और गौ माता। और देखिए इधर काफ़ी काम चल रहा है अभी। ये देखिए सीढ़ी इधरी से है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, इधरी से जाने का रास्ता है लग रहा है। और ये देखिए ये ऊपर श्री कृष्ण भगवान, पीछे गाय और लठली हुई और बंसी, और बगल में दो मोर। आपको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा शेर है, और यहाँ लिखा हुआ है श्री राधा कृष्णाय नमः। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अभी पेंटिंग हुआ है लग रहा है, बहुत अच्छा चित्रकारी किया गया है। देखिए यशोदा मैया, श्री कृष्ण भगवान और गाय और बछड़ा। जय कृष्ण भगवान, जय राधा मैया, जय श्री राधे कृष्ण। एक तरफ कृष्ण और मीरा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए यहाँ भी कृष्ण भगवान थोड़ा आराम करते हुए, बहुत अच्छा चित्रकारी किया गया है। यहाँ लिखा हो गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और ये मंदिर के पीछे नज़ारा देखिए, पूरा घंघोर जंगल पहाड़ी। और यहाँ पर देखिए ये काम हो रहा है सीढ़ियों का, और अभी हमको यहाँ से जाना है। देखिए मेरा तो फर्स्ट टाइम है, चलिए देखते हैं आगे सीढ़ी चढ़ पाते हैं कि नहीं, और कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन यहाँ करेला भवानी आए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण कार्य हो रहा है, और हमें भैया बताए हैं इस रास्ते से जाओगे तो 1055 सीढ़ी है, और इधर 100 कम कर लो, मतलब 950। और यहाँ लिखा हुआ देखिए माँ भवानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर। यहाँ पर एक और शेर है, और यहाँ पर एक और शेर है। और देखिए इधर भी काफ़ी सारे वर्कर लोग हैं, रेजा कुली लोग। और इधर देखिए पूरा सुनसान सन्नाटा, हो सकता है इधर बारिश में जब पानी गिरता होगा आता होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होता होगा। और दोस्तों ये है करेला भवानी जो कि डोंगरगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। और देखिए यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है, देखिए निर्माण कार्य। चालू, इधर भी देखिए सीढ़ी बन रहा है। क्या
खड़ा सीढ़ी चढ़ाई। अरे बाबा, अभी से सांस फूलने लगी, आगे क्या होगा। हाय, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। अरे भाई साहब, ऊपर ले जा रहे हैं टाट पट्टी। हाँ, उधर देखिए क्या खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, और इधर नीचे पहाड़, और कोई घेरा नहीं है, गिरा तो सीधा उधर लुढ़के। और यहाँ पर कुछ भवन टाइप का बना हुआ है बीच में। अरे बीच बीच में कुछ पेड़ है। हाय, देखिए दोस्तों नीचे का दृश्य, काम चल रहा है नीचे में, हम यहीं से चढ़ के आए हैं। क्या खड़ी चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है दोंगड़गढ़ से भी ज़्यादा खड़ी है। कितना गिन वो तुम अल्लाह पूछा था नौकरी वजह से, नहीं तो पता तो होगा। तो हमन गिन वो दे सीढ़ी कब चक वो, इसने सांस फूला थे खड़ी सीढ़ी। अब मैं पहली बार आया हूँ भाई, तो वो आगे। हाँ हाँ, पैर घलो तो लोचक लोचक करते, गिर जा बता, इसमें पैर में दर्द है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, माता जी की दरबार में थोड़ा तो सहल लगी। जय माता दी। तो दोस्तों काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है देखिए, और गर्मी भी बहुत, 40-42 डिग्री पारा होगा। और ये देखिए नीचे, और यहाँ से देखिए सीढ़ियों का नज़ारा, क्या टेढ़ा मेढ़ा खतरनाक चढ़ाई है। इधर है जंगल, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सांस भी फूलने लगी। चलो यहाँ छोटा सा कुटिया है, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वहाँ बरे कहाँ नहीं क्यों भाई ऐसे का। हाँ ये देखिए, अरे भाई साहब लोग क्या दबंगई से चल रहे हैं यार। ये देख पिराए नहीं गोड़ भाई हैं। ये देखिए बच्चे लोग तो आराम से चढ़ जाते हैं, बड़े कोई दिक्कत होता है। तो काफ़ी सारे लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियों का पोताई काम। और यहाँ है नींबू पानी, तो अगर आप थक गए तो नींबू पानी पी सकते हैं। देखिए बंदर क्या खूबसूरती से मिक्चर है कि क्या खा रहा है, लाची दाना मुर्रा। और ये बड़ा आ रहा भैया, उसकी मम्मी दूर हटना पड़ेगा। ये देखिए ये मुर्रा है, मुर्रा वे तो थोड़ा सा बंदरों से बच के रहना पड़ता है दोस्तों। हाथ के सामान हमारा छील लेते हैं, खासकर खाने के आइटम, मोबाइल भी संभाल के रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं इतनी गर्मी के बावजूद। देखिए सबकी हालत ख़राब हो गई है, टेम्परेचर इतना है ना दोस्तों, लगभग 42 डिग्री के आसपास। और ये जवान चढ़ते हुए आ रहे, बढ़िया जवानों से अच्छा तो बड़े बच्चे लोग अच्छा चढ़ते हैं। गर्मी का समय है, इंसान तो इंसान, जानवर भी देखिए पानी के लिए कैसे तरस रहा है। यहाँ टंकी लगी हुई है पानी पीने के लिए, और देखिए बंदर और उसके बच्चे कैसे नल के टोटी से पानी पी रहे हैं देखिए आप। तो पानी बोलते हैं जल ही जीवन है, तो हर इंसान और जानवर हर जीव के लिए पानी ज़रूरी है। तो देखिए किस प्रकार से जानवर बंदर भी पानी पी रहे हैं। देखिए इधर देखिए चारों तरफ बंदर ही बंदर नज़र आएंगे आपको। ये देखिए, और अब इधर थोड़ा सा पुराना सीढ़ी नज़र आ रहा है मुझे देखिए। ये देखिए अभी तक तो सब नया सीढ़ी नज़र आ रहा था, ये पुरानी सीढ़ी है देखिए, पत्थर है, उसके बाद थोड़ा DPC किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं और कितना दूर है देखते हैं, ऊपर भी काम वगैरह चल रहा है। देखिए जगह जगह काम चल रहा है, सीढ़ी बन रहा है। अब कितना दूर है भाई,
थोड़ा देर रहू है, चलो कोई बात नहीं, साइड से होती रे। बाप रे, यहाँ जाना पड़ेगा दोस्त। लोग लगभग आधा से ज़्यादा में पहुँच गए हैं, अभी हम इधर चलेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा बगल में एक व्यू पॉइंट दिखाता हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत है। चलिए चलते हैं व्यू पॉइंट की ओर। ये देखिए, एक यहाँ पर व्यू पॉइंट है जिससे नीचे का दृश्य मनोहर, अद्भुत, क्या बोले, बहुत ही सुंदर नज़र आएगा आपको। ये देखिए, ये व्यू पॉइंट है, देख सकते हो आप नीचे पूरा जंगल और ऊपर पहाड़। ये देखिए, रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और इधर देखिए, यहाँ से रास्ते आपको नज़र आएगा। ये देखिए, छोटा सा बारीक, ये देखिए, ये देखिए, और देखिए खुला खुला करेला भवानी। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, माता जी की कृपा हुई, जय माता दी। और दोस्तों, जस्ट यहाँ पर हम लोग माता के दरबार में पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए, काफ़ी सारे दुकानें धीरे धीरे तैयारी हो रही है, लगने लगा है, अभी का समय है। और दुकानों में देखिए धीरे धीरे काम शुरू हो चुका है, दुकान बनाए जा रहे हैं, सामान भरे जा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। झोपड़ी टाइप का कुछ बना हुआ है, हम फर्स्ट टाइम आए, हमें पता नहीं क्या है। यहाँ भी थोड़ा सा कुंड वुंड बनाया गया, अंदर में हवन है कि क्या है, महाराज जी हैं यहाँ भी। ये देखिए, और गणेश जी की मूर्ति भी अंदर में। और इधर देखिए, हाँ, और यह टंकी बना हुआ है पीने का पानी करके, लिखा हुआ है माँ भवानी मंदिर करेला। देखिए, और यहाँ पर सीढ़ियों में रंग रोगन हुआ है। फाइनली दोस्तों, हम लोग माता के दरबार पहुँच चुके हैं। जय माता दी, जय माँ करेला भवानी। और यहाँ पर देखिए, बगल में थोड़ा सा झूला वगैरह बना हुआ है, माता जी की तस्वीर भी है, और उधर बगल में एक अम्बे माँ की फ़ोटो भी है, मतलब मूर्ति। और इधर देखिए, ये है माँ करेला भवानी, जय माँ करेला भवानी। और यहाँ पर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है लोगों के रुकने के लिए, और इधर और रुकने के लिए व्यवस्था भवन बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, शेर बनाया हुआ है, देखिए। और ये घंटी बजाते हम, और ये माता जी के दरबार, जय माँ भवानी। ये है दोस्तों करेला भवानी माता जी, जय माता दी। हमारे और हमारे दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करें, जय माता दी, जय माता दी। बच्चा किधर है? दोस्तों, काफ़ी सारे यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए, फोटो वगैरह खींच रहे हैं माता के दरबार में। ये देखिए, और देखिए अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। ये देखिए, माँ भवानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये देखिए, और यहाँ पर पीछे कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे ध्वजा वगैरह बंधे हुए हैं, और यहाँ पर देवता वगैरह भी हैं, और यहाँ शंकर पार्वती का यहाँ पर तस्वीर है। देखिए, ये देखिए, ये पूरे देवता है, जय माता दी। और पीछे दोस्तों कलश रूम है, ज्योति कलश रूम। ये देखिए, यहाँ नारियल वगैरह फूटते हैं, अपन नंगाड़ा वगैरह भी है, तो ये शायद कलश रूम है दोस्तों। तो हो सकता है यहाँ मेरे ख्याल से कलश वगैरह स्थापना वगैरह होता होगा। ये देखिए, तैयारियाँ चल रही है। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा रूम है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कलश स्थापना का कार्य चल रहा है। ये देखिए, जय माता दी। पर तैयारी चला भाई कलश स्थापना के। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलश की तैयारी। और कितना बैठा भैया कलश यहाँ? 1100 के आसपास रही कलश रूम है। और ये भैया लोग पूरा तैयारियाँ कर रहे हैं, लगभग यहाँ 1100 के आसपास कलश बैठाई जाती है। और यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि कोई बाहर से बैठाते हैं तो उसका पर्ची कटता है नीचे में कार्यालय में, और लगभग वही 1100 रुपये के आसपास लेते हैं बता रहे हैं। और यहाँ टोटल जो कलश है तेल से, मतलब तेल के टीने वाला ही है, और जो घी वगैरह का रहता है कुछ रहता होगा तो वो थोड़ा नीचे में है, वो कम संख्या में रहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी तैयारियाँ हो रही है। देखिए पूरे कलश हैं दोस्तों, जो लगभग 1100 की संख्या में यहाँ पर प्रज्वलित होंगे। देखिए किस प्रकार से तैयारियाँ हो रही है,
ये देखिए पूरा नंबर लिखा हुआ है, नाम वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए कैसे जोर शोर से पूरी तैयारियां हो रही कलश स्थापना का। ये देखिए पूरी तैयारियां हो रही है। ये देखिए पूरा बहुत बड़ा रूम है। और ये पीछे देखिए खिड़की वगैरह, इधर जंगल टाइप का रास्ता है। और जो दर्शनार्थी लोग हैं देखिए बाहर भी घूम रहे हैं। ये देखिए पूरा टीन सेट से बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और इधर पीछे रास्ता भी है, तो वही टंकी वाला रास्ता है दोस्तों। ये देखिए पूरा इधर जंगल है। ये देखिए हम एक राउंड घूम के आ गए इधर से निकल के। ये देखिए बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। देखिए मिट्टी सब उसी में डाला जाएगा। और ये भवन, ये देखिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय माता दी, जय माँ भवानी।